नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक महीने के अंदर मोदी सरकार को अपने लिए हुए कई फैसलों को या तो रद्द करना पड़ा या फिर ठंडे बस्ते में डालना पड़ा है। जब से मोदी जी की NDA की सरकार बनी है, मोदी जी जो भी फैसले ले रहे हैं, उनकी सरकार जो भी फैसला ले रही है, वो बाद में उनको बैक ऑफ कर जाता है, बैकफायर कर जाता है और सरकार जो है वो बैकफुट पर आ जाती है। अब एक बहुत बड़ी खबर आई है, राहुल गांधी की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे मोदी सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं। लेटरल एंट्री को लेकर सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। दरअसल UPSC के जरिए नौकरशाही में लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन जैसे ही जारी हुआ, इस पर बवाल मच गया। केवल विपक्षी नहीं बल्कि BJP के अपने ही सहयोगियों ने इस पर मोर्चा खोल दिया। JDU से लेकर LJP ने इस फैसले का विरोध किया। मोदी कैबिनेट में शामिल चिराग पासवान ने तो सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए ही, साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से समस्या पैदा हो जाएगी और इसीलिए वो सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे। भाई JDU ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार के फैसले से राहुल गांधी चैंपियन बन जाएंगे। JDU नेता KC त्यागी ने कहा कि सरकार का यह आदेश गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह के फैसले लेकर सरकार विपक्ष को मुद्दा दे रही है, ऐसे में राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे और हमें विपक्ष के हाथ में हथियार नहीं पकड़ाना चाहिए। वही NDA के अलावा लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी सभी ने इस मुद्दे को हवा दी और भयंकर विरोध को देखते हुए मोदी सरकार ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। आज ही ये खबर आई कि पीएम मोदी के निर्देश पर UPSC अध्यक्ष को लेटरल एंट्री रद्द करने के लिए पत्र लिखा गया है। खबर देखिए ABP न्यूज की, लिखा हुआ है कि विपक्ष के हमलों के बीच लेटरल एंट्री पर सरकार का यूटर्न, अब रद्द होगा भर्ती वाला विज्ञापन। तो केंद्र सरकार ने UPSC को नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द करने के लिए कहा है। ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री के जरिए फिलहाल अब कोई भी सीधी भर्ती नहीं होगी। मतलब 17 तारीख को यह आदेश जारी हुआ, 20 तारीख को यह आदेश वापस ले लिया गया। मतलब केवल 3 दिन के अंदर सरकार बैकफुट पर आ गई। और केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने UPSC चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। तो अब मोदी सरकार के इस यूटर्न के बाद विपक्ष ने भी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि एक बार फिर से संविधान की जीत हुई, आरक्षण की जीत हुई, सामाजिक न्याय की जीत हुई। मोदी सरकार को लेटरल एंट्री के अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। बधाई हो, एक बार फिर से संविधान की जीत हुई है। संविधान में निहित आरक्षण की, संविधान में निहित सामाजिक न्याय की जीत हुई है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लगाई गई है। जो विज्ञापन आया था जिसमें 45 जॉब्स बिना आरक्षण के भर्ती की जा रही थी लैटरल एंट्री के माध्यम से, अब वो विज्ञापन रद्द किया जाएगा, वो फैसला वापस लेना पड़ा मजबूर होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को। याद रहे, इस फैसले ने आरक्षण को ताक पर रखा था। दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक को मारने वाला फैसला था ये, और इसका पुरजोर विरोध राहुल गांधी ने किया था। इसके खिलाफ आवाज खड़गे जी ने उठाई थी, पूरे इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि ये संविधान में निहित आरक्षण पर एक बड़ा प्रहार था। नरेंद्र मोदी जी, क्रेडिट लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये साजिश, ये फैसला आपकी नाक के नीचे लिया गया था। ये पूरा षड्यंत्र आपकी नाक के नीचे गठित हुआ था, तो आप क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए। और एक बात याद रखिए कि जब जब आप संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के खिलाफ कोई फैसला लेंगे, तो अपने सामने समूचे विपक्ष को, राहुल गांधी को पाएंगे। एक बात और कहना चाहती हूं, अब आदत डाल लीजिए, आपके हर गलत फैसले को हम वापस कराकर ही मानेंगे, फिर वो चाहे वक्फ बोर्ड का फैसला हो, वो ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, या अब ये जो आपने असंवैधानिक तरीके से नौकरी बांटने की सोची थी, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचकर। एक बात तो सच है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जब सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक खुद राहुल गांधी और खुद इंडिया ब्लॉक उठ खड़ा हो आपके आरक्षण खत्म करने की साजिश के खिलाफ, तो फैसला तो वापस आपको लेना ही था। वहीं आप सांसद संजय सिंह का आरोप है कि लेटरल एंट्री रद्द करने का फैसला तत्कालिक दिखावा है, 4 राज्यों के चुनावों के बाद IAS में आरक्षण खत्म होगा। जैन साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पूरे लोकसभा के चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक एक रैलियों में, सभाओं में देश की जनता को जागरूक किया, और यही कारण था
कि बीजेपी 240 पे रुक गई, 400 तो छोड़िए, अगर 300 भी आ जाता तो आज भारत का संविधान खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती, आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो जाती। आपने इनको 240 पर रोका, लेकिन बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इनका एकमात्र मकसद है आरक्षण को खत्म करना, सफाई कर्मियों का आरक्षण आउटसोर्सिंग करके खत्म कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी अलग अलग जगहों पे आउटसोर्स करके सरकारी जो नौकरियां मिलती थी खत्म कर दिया, चपरासी की नौकरी, क्लास 3 की नौकरी, क्लास 4 की नौकरी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के नाम पे खत्म कर दिया। एक सबसे बड़ी नौकरी थी जिसमें दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी होती थी, उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। आईएएस का आरक्षण खत्म, लैटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, ये मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लैटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं, ये गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है, 63 आईएएस बगैर आरक्षण के भर्ती किए गए, किस आधार पर भर्ती किए गए? अभी 45 आईएएस की भर्ती और करने के लिए, लेटरल एंट्री के जरिए करने के लिए, पिछले दरवाजे से करने के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला, किस आधार पर आपने निकाला? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, आप भारत की आरक्षण व्यवस्था को नहीं मानते, आप देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहते हैं। तो इसलिए जरूरी है जागना, देश को जगाना। आज मजबूरी में आप सब ने इतना हल्ला मचाया, तो मजबूरी में अभी ये पता चल रहा है कि फौरी तौर पे लैटरल एंट्री करने का आदेश रद्द किया जा रहा है, लेकिन सावधान रहिएगा, मकसद है आरक्षण को खत्म करना। और एक चीज का हिसाब मांगिएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, 18,000 से 20,000 पिछड़े वर्ग के लोगों की नौकरी मारी गई, जिसमें अब राहत मिली कोर्ट से। क्या हुआ विश्वविद्यालयों के मामले में, देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80% 90% एससी एसटी ओबीसी के और यहां तक कि फिजिकली हैंडीकैप लोगों के आरक्षण के हक मारे गए हैं, वो पद खाली पड़े हुए हैं। तो इसलिए जागिए, लोगों को जगाइए, भाजपा से देश को मुक्त कराइए। जब तक बीजेपी रहेगी, आरक्षण और संविधान खत्म करने का खतरा बरकरार रहेगा। तो इस तरह से विपक्ष के अपने अपने आरोप हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा की थी। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं और यूपीएससी ने शनिवार को ही संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव जैसे 45 उच्च पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती का विज्ञापन निकाला था। इस निर्णय की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की थी। विपक्ष ने इसे आरक्षण खत्म करने की कोशिश बताया। इसके अलावा एनडीए के सहयोगियों ने भी इस फैसले का विरोध किया और अब लेटरल एंट्री को लेकर बहस छिड़ने के बीच आज केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। तो एक तरह से फिर से विपक्ष की जीत हुई और मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। फिलहाल आप किस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।